नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र रघुवंशी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए पिछले साल से प्रक्रिया चल रही है और अभी तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। लास्ट ईयर पूरे साल भर प्रक्रिया चलती रही, जिसमें अतिथि शिक्षकों से पहले रजिस्ट्रेशन कराए गए, इसके बाद उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाया गया, कई बार पासवर्ड दोबारा रीजनरेट किए गए, मोबाइल नंबर चेंज किए गए, और इसके बाद फिर उनसे चॉइस फिलिंग भी कराई गई। लेकिन इसी पूरी प्रक्रिया में साल भर निकल गया और लास्ट ईयर अतिथि शिक्षकों को किसी भी प्रकार की ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा नियुक्ति नहीं दी गई। अंत में फिर अतिथि शिक्षकों को ऑफलाइन ही रखना पड़ा था। इस बार भी दो आदेश जारी हो चुके हैं, जिसमें यही कहा गया है कि इस बार जो अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति की जाएगी वो प्राइमरी और मिडिल में तो ऑफलाइन की जाएगी, लेकिन हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूलों में इस बार भी अतिथि शिक्षकों की भर्ती ऑनलाइन की जाएगी। इसके लिए बकायदा एक टाइम टेबल भी जारी किया गया था, जिसके आधार पर बताया गया था कि कब कब कौन कौन सी प्रक्रियाओं को करना है। लेकिन एक बार फिर पोर्टल की वजह से, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं हो पा रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं और चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो चॉइस फिलिंग नहीं हो पा रही है, इसी को देखते हुए एक बार फिर जो डेट है उस डेट को आगे बढ़ा दिया गया है कि चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो क्या रहेगी। तो चलिए आपको इस वीडियो में उसके बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर जो आप आदेश देख पा रहे हैं वो 18/7/2018 का है। इसमें बताया गया है कि विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में ये आदेश है, और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इससे पहले भी दो आदेश जारी किए गए हैं, एक 7/7/2018 को और इसके बाद एक 13/7/2018 को। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों आदेशों के संदर्भ में पूरी प्रक्रिया दी गई है, इसमें सिर्फ इतना चेंज किया गया है कि हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल में चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि जो है वो 18/7/18 से बढ़ाकर 23/7/2018 की जाती है। तो अब इसके आधार पर जो टाइम टेबल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। आवेदक द्वारा विद्यालय का जो चयन करना है वो है 18 जुलाई से 23 जुलाई तक। जो पहले डेट थी वो थी 18 जुलाई और अब जो डेट हो गई है वो है 23 जुलाई अंतिम तिथि। इसके बाद विद्यालय बार विषय बार पैनल जनरेशन करना, पहले 19 जुलाई थी अब 24 जुलाई हो गई है। विद्यालय स्तर पर पीटीए द्वारा पैनल तैयार कर अनुमोदन प्राप्त करना, 20 जुलाई से बढ़ाकर इसको 25 जुलाई कर दिया गया है। पैनल में शामिल आवेदक द्वारा विद्यालय में अपनी सहमति देना, जिसको 21-22 जुलाई से बढ़ाकर 25-26 जुलाई कर दिया है। पैनल के गुणानुक्रम से आवेदकों द्वारा विद्यालय में उपस्थिति 22 जुलाई की जगह 26 जुलाई, और संकुल प्राचार्य द्वारा जानकारी को पोर्टल में दर्ज करना, इसको 24 जुलाई की जगह पे 28 जुलाई कर दिया गया है। तो जैसा कि पहले 24 जुलाई तक अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो जाना चाहिए थी, लेकिन अब उसकी डेट 28 जुलाई हो गई है। इसका मतलब है अब 28 जुलाई तक अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था और उनकी जो चॉइस फिलिंग के बाद उनकी जो उपस्थिति होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। और देखने वाली बात यही होगी क्या ये जो आदेश में संशोधन किया गया है ये अंतिम है या इसके बाद फिर भी दोबारा आदेशों में परिवर्तन किया जाएगा। क्योंकि अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती की जाती है जिस वेबसाइट के माध्यम से, वो वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देती है, कई बार वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है और पता ही नहीं चल पाता। अतिथि शिक्षक आवेदन करते रहते हैं, लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने में प्रॉब्लम आती है, चॉइस फिलिंग में प्रॉब्लम आती है। तो देखते हैं कब तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो पाती है। तो आप लोगों की अगर कोई समस्याएं हो तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।